सुबह के बजे हैं 8:04 या 5 मिनट। अभी मैं हूँ मिंटो पार्क एरिया में। जैसा कि आप देख रहे हो, तो मैं आज का जो ब्लॉग है वो मैं यहीं से शुरू कर रहा हूँ, मिंटो पार्क एरिया से। मैं अपने घर से शुरू नहीं कर रहा हूँ, मिंटो पार्क एरिया से शुरू कर रहा हूँ। बाय द वे, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सोम और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है एच सोम। तो आप सोच रहे होगे कि मिंटो पार्क से घर छोड़कर मैं मिंटो पार्क एरिया से मैं क्यों ब्लॉग शुरू कर रहा हूँ। कारण कुछ व्यक्तिगत कारण था, पर्सनल रीज़न था, जिस वजह से मैं वहाँ से अपने घर से मिंटो पार्क तक मैं कोई ब्लॉग नहीं कर पाया। अब यहाँ से शुरू कर रहा हूँ ब्लॉग। तो आज की कहानी कुछ दूसरी तरीके की होगी। ये जो मिंटो पार्क एरिया है, इसके पहले मैं ये बता दूं कि जो मिंटो पार्क एरिया मैंने साउथ कोलकाता और सेंट्रल कोलकाता के बीच की कड़ी है। तो आज मैं आप लोगों को ना सेंट्रल कोलकाता से नॉर्थ कोलकाता ये मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि भैया चलो नॉर्थ कोलकाता कैसा है कैसा नहीं है। और श्याम बाज़ार, खासकर जो श्याम बाज़ार है, श्याम बाज़ार बहुत फेमस है। श्याम बाज़ार एक ऐसा क्रॉसिंग है कोलकाता का जहाँ पे पांच मुहाने हैं, पांच रास्ते एक साथ इकट्ठे होते हैं। और अभी मैं जो खड़ा हूँ ना, ये है आपका मल्लिक बाज़ार एरिया, मिंटो पार्क क्रॉस करके मल्लिक बाज़ार एरिया में मैं अभी खड़ा हूँ। ये देख रहे हो आप, यहाँ पे इतनी सारे, और ये फ्लाईओवर है, ये फ्लाईओवर आपका डायरेक्टली माँ फ्लाईओवर से कनेक्ट होकर सीधे आपका विक्टोरिया पीटीएस के पास उतरता है। तो चलिए मैं बताता रहूँगा और आप लोगों को सेंट्रल कलकत्ता से नॉर्थ कलकत्ता के बारे में बताता रहूँगा, रास्ते और वगैरह वगैरह बताता रहूँगा। और एक ख़ास पर्पस भी है, उस पर्पस के बारे में भी आप लोगों को मैं बताऊँगा। मल्लिक बाज़ार गाड़ी मार्केट है, मतलब फोर व्हीलर मार्केट। मैं आपको खड़े होकर थोड़ा सा दिखा देता हूँ। देखो, देख रहो, ये सब जितनी भी कटाई वटाई इधर होती है ये सब है कटाई, है कुछ भी है, A to Z, एक फोर व्हीलर का A to Z यहाँ पे होता है, ये मल्लिक बाज़ार। इसलिए मल्लिक बाज़ार बहुत फेमस है कलकत्ता में। आप अगर गाड़ी का कोई फोर व्हीलर का काम है तो आप मल्लिक बाज़ार चले जाओ, सभी बोलेंगे मल्लिक बाज़ार चले जाओ, वहाँ हो जाएगा। ये है मौलाली मोड़, मौलाली मोड़ से मैं सीधे निकल रहा हूँ। अब मैं पूरी तरीके से सेंट्रल कलकत्ता में हूँ और सेंट्रल कलकत्ता से आगे बढ़ रहा हूँ नॉर्थ कलकत्ता की ओर। ये NRS हॉस्पिटल, ये डेंटल इधर भी है, ये NRS हॉस्पिटल, वो देखो, फेमस हॉस्पिटल ऑफ कोलकाता। ये है मौलाली मोड़, मौलाली मोड़ से मैं सीधे निकल रहा हूँ। मैं स्कूल के लिए मैं इधर घूमता था बाएं तरफ, बट मैं आज सीधे निकल रहा हूँ मौलाली मोड़ से। अब मैं पूरी तरीके से सेंट्रल कलकत्ता में हूँ और सेंट्रल कलकत्ता से आगे बढ़ रहा हूँ नॉर्थ कलकत्ता की ओर। ये NRS हॉस्पिटल, ये डेंटल इधर भी है, ये NRS हॉस्पिटल, वो देखो, फेमस हॉस्पिटल ऑफ कोलकाता। लो सिग्नल, ये देखो सियालदह स्टेशन। ये रहा सियालदह स्टेशन, नॉर्थ साउथ। ये वाला सियालदह स्टेशन है, इधर वाला ये जो रोड है, ये आप जाओगे तो ये सीधे आपका कॉलेज स्ट्रीट, ये वाला, और ये रहा सीधे श्याम बाज़ार चल रहा है। ये ओल्ड कलकत्ता है, ये जो आप देख रहे हो ना यहाँ पे, ये ओल्ड कलकत्ता है। ये ओल्ड कलकत्ता मीन्स इसकी बहुत बड़ी कहानी है, बहुत हिस्ट्री है। इस कलकत्ते की कहानी ना ख़त्म होने वाली कहानी है, इतना वास्ट है इसका हिस्ट्री और इसका स्टोरी जो है ना, इतना वास्ट है। विक्टोरिया मेमोरियल इंस्टीट्यूशन,
तो घोड़ा गाड़ी देखो, यहाँ पे घोड़ा गाड़ी खड़ा है, ये रहा घोड़ा गाड़ी। अब भी यहाँ पे चलता है, लोग मतलब यात्रा करने के लिए नहीं, इधर से उधर जाने के लिए नहीं, बस जस्ट एक एन्जॉयमेंट के लिए, शनिवार को टहलने के लिए निकले, एन्जॉयमेंट के लिए घोड़ा गाड़ी यूज़ की है, यही सब चलता है, अदरवाइज नहीं। और ये एरिया जो है राजा बाजार एरिया है, देखो सिग्नल दिया हुआ है, कोई मना ही नहीं यहाँ पे, सब अपने मन में, अपने मन मुताबिक, राजा बाजार एरिया। अब मैं नॉर्थ कोलकाता में एंट्री कर रहा हूँ, नॉर्थ कलकत्ता में एंट्री कर रहा हूँ, और यहाँ का देखो माहौल, हाल हकीकत देखो। ये MM चटर्जी मेमोरियल आई हॉस्पिटल, और ये एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग दिखाऊं तो बोले तो ये बिल्डिंग का नाम क्या है, साइंस कॉलेज, बिल्डिंग का नाम क्या, ये साइंस कॉलेज है। तो इस कलकत्ता ने, आप जो ये कलकत्ता देख रहे हो, इस कलकत्ता ने भारत के इतिहास में इसका महत्वपूर्ण योगदान है, बहुत इतिहास लिखा है इस कलकत्ता ने। कलकत्ता पुलिस म्यूजियम बगल में निकल गया। असल में इस एरिया में ना उतना जाना आना नहीं होता है, तो इस एरिया में मैं सेंट्रल तक आता हूँ, सेंट्रल से फिर वापस। तो इस एरिया में क्या होता है ना, कितना कुछ पता नहीं जगह का नाम। इस जगह का नाम है मानिक तला, बहुत जाना पहचाना जगह, बहुत पुराना जगह ये मानिक तला है। देखो बिल्डिंग देखो, कितनी ओल्ड बिल्डिंग है, ये देखो, देख रहे हो गुंबद, ये मानिक तला मोड़ है, ये सेंट्रल ब्लड सेंटर मानिक तला। ब्लड वगैरह की अगर किसी को कमी होती है तो यहाँ पे लोग आते हैं दौड़ते हुए, कलकत्ता में कहीं से भी। ये सेंट्रल ब्लड सेंटर कलकत्ता मानिक तला कोलकाता। इधर आपका चला जाता है बेलिया घाटा चला जाता है। और देखो अभी घड़ी चल रही है, देखो पता नहीं जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं कैमरा मेरा, घड़ी चल रही है यार, हाँ वो देखो चल रही है, साढ़े आठ बज रहा है, एकदम यार राइट टाइम है घड़ी, तो वो देखो, वाह। आपने जोड़ा साको वगैरह वगैरह का नाम सुना होगा, ये मानिक तला का नाम बहुत कम सुना होगा, मैं बता दे रहा हूँ और दिखा दे रहा हूँ, ये पूरा मानिक तला एरिया है। और श्याम बाजार बहुत फेमस एरिया है, ओल्ड कलकत्ता का भी फेमस जगह ये श्याम बाजार। अगर ओल्ड कलकत्ता को निहारना है आप लोगों को, ओल्ड कलकत्ता को अगर देखना है ना, तो इन सब एरिया में चले आओ, उल्टा डांगा रोड बाईं तरफ, दाहिने तरफ सॉरी भैया, तो भैया सीधी सी बात है ना कि मैं इधर नहीं आता हूँ, बहुत कम, तो आप लोग ज़रा बताने की कोशिश कीजिएगा भैया कि इस जगह का नाम क्या है और इस मोड़ का नाम क्या है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और दूसरी और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट्स अवश्य होना चाहिए भैया, आप लोगों के ही आप लोग जो इतना कृपा करोगे, इस कृपा की वजह से ही तो मैं और मेरा चैनल ग्रो करेगा, आप लोग सब कुछ हो, तो इसलिए रिक्वेस्ट रहा आप सभी से कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लग रहा है मैं पहुंच गया हूँ, फिर कन्फ्यूज़न फिर, बट पूछना पड़ेगा, रुको दादा, देशबंधु मार्टा कोथाय पड़बे, देशबंधु पार्क, हाँ वो ये टा जेटा आछे, हाँ शौचागार जेटा आछे, अच्छा एखान दिए घोरा जाबे, ओ मैंने बोला ना
मैं शायद गलत उस पर आ रहा था, गलत पे नहीं, या डायरेक्शन मेरे को बता दिया इन्होंने कि भैया यहाँ से जाओ। वो एक क्रॉसिंग है, ये रहा क्रॉसिंग। इस क्रॉसिंग से ये ट्राम लाइन है अलग से। पहले कलकत्ता में मैं आपको बता दूं, ये जो डिफरेंस देख रहा हूँ वो और ये तीन, इस ट्राम लाइन के लिए अलग ऐसे बैरिकेड होता था। और ये रोड है शायद, हाँ हाँ यही रोड है, पता लग जाएगा। स्कूल के बच्चे जा रहे होंगे यहाँ से तो पता लग जाएगा कि भैया किस रोड में हम गए, सही है कि नहीं। देखो इधर का एरिया थोड़िया पुकूर या समथिंग ऐसा नाम है यहाँ का, मे बी फोड़िया पुकुर। हाँ जी हाँ, मैं पहुंच चुका हूँ सामने ही, सामने ही है, लेकिन गाड़ी पार्किंग वो रहा है, गाड़ी पार्किंग, ये रहा गाड़ी पार्किंग भाई। चलो गाड़ी पार्किंग यहाँ पे लगा देता हूँ, पार्क कर देता हूँ।